रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 80286। इसमें हम इसके जनरल रजिस्टर्स करेंगे। देखिए पहले रजिस्टर जनरल रजिस्टर्स करने से पहले हम इसके बारे में कुछ देखते हैं कि जैसे हमने 8086 किया था, ये कुछ कुछ वैसा ही है जो इसका रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कुछ वैसे ही है, लेकिन डिफरेंस बहुत है। 80286 जिसमें 24-bit एड्रेस बसेस होती हैं, जो एड्रेसेस होती हैं उनका 16 MB की फिजिकल मेमोरी होती है। ये इसकी जनरल इंट्रोडक्शन है। देखिए जो 80286 है वो डिफरेंट वर्जन्स में मिलता है, वर्जन्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज पे रन करता है, जैसे कि 12.5 MHz पे, 10 MHz पे, 8 MHz पे। अब इसमें देखिए जो इसके रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो 8086 की तरह ही है। इसमें 16-bit जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, 4 8 16-bit जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे, 4 16-bit सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। इस टॉपिक में हम इसके जनरल पर्पस रजिस्टर करेंगे जो कि 8 16-bit जनरल पर्पस रजिस्टर है। बाकी के रजिस्टर हमें नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे, स्टेटस और पॉइंटर रजिस्टर्स और सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर देखिए सबसे पहले देखते हैं हम जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स मैंने कहा था इसमें 8 16-bit जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। पहले हम 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे, 4 AX DX CX और BX। देखिए ये जो रजिस्टर्स हैं ये जनरल पर्पस 16-bit रजिस्टर्स हैं। जो AX है जिसको AH और AL से डिनोट किया गया है, AL लोअर बाइट्स को शो करता है, AH हायर बाइट को शो करता है, L मतलब लो, H मतलब हाई। और देखिए 0 से 7 8-bit का ये हो गया, 0 से 7 8-bit का ये हो गया, मतलब टोटल 16-bit का होता है ये, 0 से 15 0 टू 15। AX जो कि 16-bit accumulator की तरह वर्क करता है, लोअर 8-bit, ये वाली लोअर 8-bit AX की लोअर 8-bit AL से डिनोट की जाती है। और जो हायर 8-bit होती है ये वाली हायर 8-bit 0 से 7 हायर 8-bit AH, H मतलब हायर, AH से डिनोट की जाती है। जो इनका यूज 8-bit accumulator की तरह भी किया जाता है, 8-bit जो ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म होते हैं वो इनमें स्टोर होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट जनरल पर्पस रजिस्टर है जो डिफरेंट फंक्शंस को ऑपरेट करवाता है। AL लोअर 8-bit को शो करेगा, AH हायर 8-bit को शो करेगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जो है DX। ये जो रजिस्टर्स हैं ये देखिए DX, ये भी DH और DL लोअर और हायर में डिवाइड है। ये जो 16-bit DX रजिस्टर्स हैं कंप्लीट, इसका यूज जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज एज ए इम्प्लीसाइट, जो ऑपरेंट इम्प्लीसाइट होते हैं उनके लिए किया जाता है, और जो डेस्टिनेशन केस होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए उनके लिए इसका यूज किया जाता है। और जो ये देखिए AX और DX, ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये मल्टीप्लाई और डिवाइड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे CX, ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लोअर और हायर। ये जो X है ना ये X शो करता है कंप्लीट 16-bit को, ठीक है ना, ये लोअर बाइट को शो करेगा, ये हायर बाइट को शो, ये लोअर को ये हायर को, लेकिन जो X है ये कंप्लीट 16-bit को शो करता है, ये जो X वर्ड है। अब देखिए जो CX रजिस्टर है ये भी एक डिफॉल्ट काउंटर की तरह यूज होता है। इसका यूज स्ट्रिंग और लूप ऑपरेशंस के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। वो इंस्ट्रक्शन इसमें लूप इंस्ट्रक्शन आते हैं और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन आते हैं, डिफॉल्ट काउंटर की तरह पे इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट रजिस्टर है बी एक्स, ये भी सेम फर्दर डिवाइड है। जो बी एक्स रजिस्टर है ये ऑफसेट स्टोरेज का काम करता है, जो भी जो कि फिजिकल एड्रेस फॉर्मिंग करने के लिए जो ऑफसेट एड्रेस पे यूज किया जाता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है, कुछ डेस्टिनेशन इंस्ट्रक्शंस के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए अब ये तो हमारे 4 रजिस्टर्स हो गए, मैंने कहा टोटल 8 होते हैं, तो आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट है बीपी, बी एक्स और बीपी दोनों का यूज ऑफसेट स्टोरेज के लिए किया जाता है फिजिकल एड्रेस, इन दोनों को बेस रजिस्टर्स भी बोला जाता है, बी एक्स और बीपी दोनों को बेस रजिस्टर भी बोला जाता है। अब देखिए क्योंकि ये जो बीपी है ये नॉर्मली ऑफसेट को कंटेन करता है, जो ऑफसेट एड्रेस होगा उसे कंटेन करेगा। नेक्स्ट है हमारा एस आई, एस आई और डी आई ये दोनों इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, ये दोनों ही एस आई भी और डी आई भी। इनका फंक्शन क्या है, देखिए ये जो एस आई रजिस्टर है इसका यूज जर्नल्स का यूज ऑफसेट को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो सोर्स डाटा होता है डाटा सेगमेंट्स भी उसके लिए एस आई रजिस्टर का यूज किया जाता है, और जो डी आई रजिस्टर है डी आई का यूज ऑफसेट डेस्टिनेशन डाटा को स्टोर करने के लिए आता है, ऑफसेट जो होता है डेस्टिनेशन डाटा का उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट भी कहते हैं। देखिए ये सोर्स के लिए और ये डेस्टिनेशन, डी डेस्टिनेशन के लिए, सोर्स के लिए, दोनों इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, हमारे जनरल रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है एस पी जो कि स्टैक पॉइंटर को शो करता है, जो स्टैक पॉइंटर है इसका यूज भी ऑफसेट स्टोरेज के लिए ही किया जाता है। ये तो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, टोटल 8, देखिए 4 ये हैं और 4 ये हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज किया था, स्ट्रिंग और लूप इंस्ट्रक्शन के लिए, इन दोनों को बी एक्स और बीपी को यूज किया था बेस रजिस्टर्स के तौर पे, इसको इंडेक्स रजिस्टर्स के तौर पे, इनको स्टैक पॉइंटर के तौर पे, ये है हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।